अपना परिचय देंगे। मैं राधेश्याम कश्यप, जिला अध्यक्ष रोजगार किसान एकता भूस्थापित संघ। कश्यप जी, जी ऑफिस के आप लोग चक्कर लगा रहे हैं ऐसा पता चला है, क्या तकलीफ हो गई ये बताएंगे। हम लोग का तकलीफ अभी, हम लोग कुछ दिन पहले हड़ताल किए थे, हड़ताल में यह समझौता हुआ था संजय मिश्रा जो जीएम के साथ कि अभी हम लोग प्रोसेस को चालू कर देंगे और मई जून तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अभी तो हड़ताल हुए करीब एक हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि फाइल वही वही है और कोई अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, और जाने से भी हम लोग को झूठा आश्वासन और गुमराह किया जा रहा है। फिर से हम लोग अब लग रहा है फिर से अच्छा से हड़ताल करना पड़ेगा इस बार। कितने लोगों का रोजगार की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और कितने दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए? हम लोग को यहाँ रोजगार की मांग को धरना में करीब 5 माह से ऊपर हो गया और 125 लोग का हम लोग लिस्ट दिए हैं, जिसमें सभी इन लोग जो भेज रहे हैं हम लोग लिस्ट से बाहर रहा है। अब ऐसा लग रहा है कुछ दलाल लोग का या कुछ जो यहाँ ठेका लिए हैं 10 लाख 12 लाख में, उन लोग को फाइल बिलासपुर जा रहा है। बाकी जिन लोग हम लोग जो मूल निवासी हैं और जिन लोग हम लोग के ग्रुप में 125, उन लोग का तो फाइल यहीं पड़ा है। क्या लगता है मतलब कि इस बारे में आपके जीएम से कुछ बात हुई है, कुछ चर्चा हुई कि एक हफ्ता हो गया आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कैसे एक महीने में आप जो है पूरा कर लेंगे? जीएम तो अभी जीएम से मिलने पर वही बोलता है हो रहा है, लेकिन जीएम को आए हुए हैं तो यहाँ 5 माह से ऊपर हो रहा है। 5 माह तक जीएम संजय मिश्र जो है 5 महीने से हम लोग को ऐसी झूठ बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ का संजय मिश्र जो सही बोलता है, वो तो हमेशा झूठी बोलता है। पहले भी बोल रहा था कि मैं पंडाल आऊँगा, एक एक हफ्ते में मीटिंग लूँगा, सबको बुलाऊँगा, लेकिन आज तक न पंडाल आए न किसी को बुलाए, ये तो पूरा झूठ बोलने का मशीन है संजय मिश्र जीएम कुसमुंडा। कश्यप जी, अभी जो आंदोलन हुआ है 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते के बाद आपकी बात हुई जीएम साहब से और इस मुद्दे पे कि एक भी लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ, बात हुआ तो बोले कि हाँ बस वही कर रहे हैं, अभी जांच चल रहा है। तो जांच तो यहाँ 25 साल हो गए जांच होते होते, जब राज्य शासन यहाँ फाइल को जब 2 दिन में यहाँ जांच कर लिए तो ऐसी सेल को 25 साल 20 साल कैसे लग रहा है, या तो समझ से परे है या फिर लोग जो जबरदस्ती हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, घुमा रहे हैं या झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अब सब मतलब वही है कुल मिलाकर कि हम लोग को, चूँकि 1 मई तक का आश्वासन इन्होंने दिया है आप लोगों को जीएम ने कि भाई हम मई के पहले सप्ताह में आप लोगों को रोज़गार मुहैया कराएंगे, तो क्या नहीं लगता कि आप लोग 1 महीने तक रुकेंगे कि उसके अलावा भी आप लोग आंदोलन का मूड बना रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर कुछ प्रोसेस में होगा या फिर हम लोग को लगेगा कि फाइल का जांच हो रहा है या फिर लोग भेजने वाले हैं तो ठीक है, अगर फिर देखते हैं अगर रवैया अगर वैसी रहा तो इस बार और पहले से जो हड़ताल किए थे उससे और बड़ा उग्र हड़ताल करेंगे। इस बार तो सीधा हम लोग 10,000 आदमी जाएंगे और इस बार तो सीधा फिर वही भंडारा, वही रहना, वही खाना, वही सब चीज़ वही रहेगा, टेंट लगाएंगे और जब तक वहाँ ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा जब तक वहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हम लोग को चाहे गोली मारे, चाहे फांसी में लगाए, चाहे जेल अंदर करे, इस बार हम लोग डरने वाले नहीं हैं।